तुम्हारे साथ हैं। हम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लाइव 100 न्यूज में। मैं जेपी यादव, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब पहुंचे सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष व विधानसभा प्रत्याशी आरिफ हाशमी एडवोकेट के समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। हमारे संवाददाता से हुई वार्ता के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब ने बताया 2022 में पीस पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब ने कहा कि भाजपा और आरएसएस घोटालेबाज लोग हैं, धर्म को बेचने का काम करते हैं। इन्होंने राम मंदिर की जमीन में भी घोटाला किया। हमारे संवाददाता सुल्तानपुर से मोहम्मद दानिश की रिपोर्ट। इस पार्टी डॉक्टर अय्यूब जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अय्यूब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर अय्यूब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस पार्टी डॉक्टर, इस पार्टी अकेले लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन करेगी? चुनाव 2022 में होना है तो हम लोग 2021 में 2022 की तैयारी कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि पीस पार्टी इस बार पूरे तौर पर अकेले चुनाव लड़ने सत्ता में दाखिल होने या सत्ता पर आने में कामयाब रहे और इसी प्रयास में हमारे सभी साथी कार्यकर्ता। सर, दूसरा सवाल ये है कि AMIU की जो पार्टी है वो भी उतर चुकी है मैदान में, तो क्या उसके सामने अल्पसंख्यक जो है वो उनको वोट देगा या आपको वोट देगा? देखिए, आप MIM की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ MIM 2017 में भी रही है और पूरे जोश खरोश से चुनाव लड़ने के बाद भी पीस पार्टी का आधार लोग मिल पाई है। तो ऐसी पार्टियाँ आती रही जो जनता में भ्रम पैदा करने के लिए आती हैं, मगर पीस पार्टी 2008 से मजबूती से प्रदेश में है और अपना काम अकेले दल पर चुनाव लड़ करके सर इसमें सबसे बड़ा विवाद चल रहा है अयोध्या के राम मंदिर जहाँ बनना है जमीन को लेके। सर उस पर काफी बवाल हो रहा है सर, जो धर्म को भी बेचने का काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने सत्ता के लिए धर्म को बेचने का काम किया, भगवान को बेचने का काम किया, आस्था को बेचने का काम किया है, अगर ये जमीन का भी घोटाला करते हैं तो ये बहुत बड़ी छोटा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा घोटाला जो RSS और भाजपा ने किया है वो आस्था का घोटाला किया है उन्होंने और देश की जनता को धर्म के नाम पर गुमराह करने की साजिश की है और जनता में द्वेष फैलाने का काम किया, हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाने का काम किया है। मैं समझता हूँ।